क्या हो गया? मैडम ये बच्चा नहीं है मैडम, फिर आप कहती हैं कि इन लोगों में मेरा हाथ उठ जाता है। अरे मैडम ये गमछा यादव जो हमारी कैद में, मैडम खाना नहीं खा रहा है वो। कितनी बार उसे खाना ऑफर किया लेकिन नहीं, उसे खाना नहीं खाना है मैडम, टू मच दिस इज। हाँ जी जी मम्मी जी, आज ना जी मैं 3 बार उसके लिए खाना लेके गया जी, उसने 3 बार मेरी पिटाई की जी। फिर मैं उसके लिए चाय लेके गया जी, फिर उसने गर्म गर्म चाय मेरे मुंह पे मारी जी, मुझे मेरी बीबी की याद आ गई जी। ये साला गमछा यादव हमारे आदमियों को मार रहा है। चंद्रमुखी जी वो आपने जो खतरनाक क्रिमिनल गमछा यादव को पकड़ा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाँ सर, वो अंदर वाले लॉकअप में बंद है, इनफैक्ट में अभी उससे बात करने ही जा रही थी, आप चलिए हमारे संग। आप अपना काम निपटा लीजिए, मैं उससे अकेले में मिलना चाहता हूँ। सर वो घना जो है खतरनाक क्रिमिनल्स है, उसके पास अकेले आना खतरे से खाली ना है, मैं आपके संग चल रही हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ कमिश्नर हूँ? चमचे अरे मैंने अपनी सर्विस के अंदर 50 ऐसे क्रिमिनल देखे हैं। बताइए कहाँ है वो? सर वो तो सही है सर, लेकिन अब सर आपकी हो गई है उमर और लचक गई है आपकी कमर। Shut up, you बतमीज। कहाँ है वो? सर she is the that side is the huh? What? Carry on. सर वो वहाँ है अंदर के लॉकअप में। अंग्रेज चले गए, औलादें छोड़ गए, निपटनी हमको पड़ रही है। मैडम ये कमिश्नर साहब को गमछा यादव से क्या बात करनी है? अरे हटाओ यार हमें के। मैडम मैं सुन के आऊं? तू यहाँ देवरानी जिठानी हो रहा है, साड़ी पहना हुआ, गहने लादा हुआ, किचन पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड, चाय में जो है जहर घोलेगा। अरे बचाओ। बब्बी खबरदार, कौनो आगे बढ़ा ना तो इस कमिश्नर का मुंडिया उड़ा देंगे। तमंचा लोड है। ए, गमछा यादव सर ने छोड़ दिया, तू सही ना कर रहा है। गमछा यादव को पकड़ना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। ए, आगे बढ़ा ना, तमंचा लोड है, याद रखिए। मेरे का बचा लो, जो ये कहता है वो ही करो, वरना ये मेरे को ऊपर पहुंचा देगा। मुझे जाने दो, जाने दो, इसके जाने दो। एक कमिश्नर, तू हमको बाहर तक छोड़ेगा, और तुम लोग आधा घंटा तक चौकी से हिलना मत, वरना ये तमंचा लोड है, समझे क्या? चले बढ़ाओ, चल हिलना रे, चल चल। मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम आपने सुना नहीं वो गमछा यादव क्या कह के गए कि आधे घंटे से पहले अगर हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो वो कमिश्नर साहब को इस दुनिया से निकाल देगा। तो आधा घंटा कुछ तो करना है ना मैडम, मैं समोसे मंगा रहा था, कुछ खा लेते हैं। हम उसके बाप के नौकर हैं, उसकी सारी बातें मानेंगे? चलो चलो। ये कितने के दिए? ये 10 का साहब।
बजरंग 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 ये अब ये 20 का रंग रंग बजरंगा ये वाला कितने का ये 25 रुपये दर्जन बजरंग 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 चल चखा जरा देखे कैसा है गुड बॉय वेरी गुड बॉय रोज आ जाता है मुफ्तखोर क्या बोला बे नहीं साहब कुछ नहीं हाँ तू जानता नहीं हम कौन है हाँ साहब हम इंस्पेक्टर बजरंग पांडे है जमजा कातिल सिंह का नाम सुने अबे तू क्या सुनेगा कातिल सिंह का नाम चल दूसरा किला वो 25 रुपए वाला हाँ सुन तूने खाते खाते कभी डांस किया नहीं किया ना आज तेरे को दिखाता हूँ केला खा के डांस कैसे करते हैं ऐसे 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 रखकर पूरा जूसा खा गया देखा है कभी चल तीसरा किला वहां पड़ा है वो वाला मम्मी चल वेल डन इंस्पेक्टर सर 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 आपको लगी तो नहीं अबे क्या कर रहा है क्या कर रहा है सर आई ओके हाँ ओके हम ओके अरे सिम अरे सिम अरे चलो तुझे खाना खिलाता हूँ चल वेल डन इंस्पेक्टर वेल डन चंद्रमुखी जी ये वो जांबाज इंस्पेक्टर है जिसने ना सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत भी बचाई है बरखुरदार आपका नाम क्या है सर हमारा नाम है इंस्पेक्टर बजरंग पांडे इंस्पेक्टर बजरंग पांडे आजकल कौन सी चौकी पे लगे सर चिटपुटिया गंज चौकी वेल डन इंस्पेक्टर पांडे आज आपकी आज आपकी वजह से ये गमछा यादव एक बार फिर हमारी गिरफ्त में आ गया मैं सोचता था कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक जांबाज इंस्पेक्टर है और वो है चंद्रमुखी चौटाला लेकिन आज मुझे खुशी है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर बजरंग पांडे जैसे इंस्पेक्टर भी हैं कितना अच्छा हो कि आप दोनों जांबाज इंस्पेक्टर एक साथ काम करें मतलब सर इंस्पेक्टर बजरंग पांडे आप कल ही ईमान चौकी का चार्ज ले लीजिए सर 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 मी चलिए मैं आपको तांगा स्टैंड तक छोड़ देता हूँ मैं चला जाऊंगा अकेले खुद ऑटो से चमचे ये मेरी गलत है ऑटो मैडम आप इसको चौकी ले जा रहे हैं क्या है चेहरे पे 12 क्यों बजे हुए हैं मैडम चेहरे पे तो 12 ही बजेंगे ना अरे चौकी में आप क्या कम थी कि एक और ऑफिसर से मेरा कहने का मतलब है कि आप चौकी में है ना मैडम फिर एक और ऑफिसर की क्या जरूरत है यस मम्मी जी नो नेसेसरी नॉट नेसेसरी बे या दिस वन मैडम ये सच है कि आपकी चमचागिरी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये भी सच है कि आपकी चमचागिरी किए बिना ना मुझे चिकन हजम होता है ना मटन ना पूरी कचौड़ी अबे बात कर पूरी की पूरी मुद्दे पे आ मम्मी जी मुद्दा ये है हमें कोई नमा अफसर उफसर नहीं चाहिए स्यापा खत्म थारे बाप की चौकी है यो हैं चौधरी हो रहा है तू यहाँ का कि थारी चाहत पे चलेगी चौकी ये पापा नहीं चाहिए अबे वो इंस्पेक्टर बजरंग पांडे काफी जामाज अफसर है देखा नहीं
ना उसकी बहादुरी की वजह से कमिश्नर साहब की जान बच गई, वो गमछा यादव पकड़ में आ गया। मैंने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस बजरंग पांडे से कुछ ज्यादा ही इंप्रेस हो गई हैं? मैडम ये लो खलास, खत्म, ओवर, जिप इट, कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई है, कोई इस पर आर्गुमेंट नहीं चाहिए मन ने। इंस्पेक्टर बजरंग पांडे कल से चौकी ज्वाइन कर रहा है, दैट इज फाइनल, उसके संग कोऑपरेट करो तुम दोनों, और कोई लपाड़पंती, स्पेशली तू सुन ले खुराफाती आदमी, उसके संग कोई जो है लपाड़पंती नहीं चाहिए मन ने, क्योंकि एक बार अगर हमारे दिमाग का तान पूरा छिड़ गया पूरा का पूरा, तो मैं एक नंबर की जुल्मी जीनत, यानी कातिल कैटरीना, यानी घनी गुस्से वाली हूँ। आई अंडरएस्टिमेट मम्मी जी, अंडरएस्टिमेट नहीं, अंडरस्टैंड, कैरी ऑन, FIR। गुरुजी, आप ही ने हमसे कहा था कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले नूतन कार्य प्रारंभ नृत्य करना बहुत जरूरी है, और हम करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन गुरुजी, as usual, जरा म्यूजिक में हेल्प करी ना प्लीज। वेलकम सर। सर आप नाच रहे थे? हम नाच रहे थे सर, ये खुले में अकेले में जो है चौकी के बाहर पागलों, आई मीन क्यों नाच रहे थे सर आप? वो हम नाच नहीं रहे थे, कुछ और कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे ना आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल अंदर चले, सबसे मिल रहे क्या? हाँ सर आइए, आपको स्टाफ से मिलवा दूं। सर घने ही प्यारे लोग हैं सर, और ये वैसे भी आपको रोज काम करना है, फैमिली जैसे हो जाएंगे, क्योंकि सर जिंदगी का मतलब तो अपनों से नाता है, और असली मजा तो सबके साथ आता है। वाह, हाउ इंटेलिजेंट थिंकिंग। हम अंदर चलते हैं, अभी चलिए। हाँ सर, अरे एक सेकंड सर, सर कमिश्नर साहब का फोन है, आप चलिए, मैं आती हूँ सर। हेलो, हाँ कमिश्नर साहब जी, आ गए बजरंग पांडे जी। हाँ जी सर, हम क्यों उन्हें तंग करेंगे सर, हम कोई शरारती बच्चे हैं क्या सर? वो क्या भैया? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अरे सर आप यहाँ क्यों रुक गए, आइए प्लीज। सर ये है परशुराम और ये है हवलदार भोसले। हेलो, आइए सर, आइए, आओ भाई। सर मुलायम सिंह गुलगुले। हेलो सर। हेलो मुलायम, सर यू कैन कॉल मी गुलगुले। और सर ये है जोकी। आप कह रही है जोकी है और ये कह रही है जोकी नहीं है? Confusion. सर इसकी नाम ही हाँ छुपी है सर। Yes. अबे चल 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 कर बात हो रही हूँ, इंट्रो बिल्कुल ही घुस रहा है बीच में। यार सच में यहाँ का हमारा दिल खुश हो गया, हमारे स्वागत के लिए आप लोगों ने पुराने स्टाफ को बुला लिया है। हुई, 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 दिल खुश हो गया हमारा यार। एक्सक्यूज मी सर, मैं पुराना नहीं करंट हूँ। अब इतना भी करंट नहीं है तुमने। सर ये है गोपीनाथ गंडोत्रा, सबसे सीनियर हवलदार है सर। इस चौकी का? सर ऐसा समझ लीजिए कि पूरी दुनिया के सबसे सीनियर हवलदार हैं। ये काफी सीनियर है, जरा लकड़ी वकड़ी दे तो गिर ना जाए कहीं। खैर हम हैं बजरंग पांडे, हमारे जाबाजी के किस्से आप लोगों ने तो सुने ही होंगे। बड़े से बड़े क्रिमिनल्स हमारी पकड़ से भाग जाते हैं, मेरा मतलब है भाग नहीं पाते हैं, और दिखने में हम जितने स्वीट है ब्यूटी के मामले में, मेरा मतलब है ड्यूटी के मामले में, हम उतने ही ढीठ है। हाँ, ऑफ कोर्स।
हमारे राज में काम एकदम ऐसे ऐसे होना चाहिए, वरना तो हम ना हो। सर वैसे मन ने घनी खुशी है कि इस चौकी में जो है एक और जांबाज और दिलेर अफसर मौजूद है सर। यस! क्या बात कर रहे हो, कहां पर बुलाओ उसे, हम मिलना चाहते हैं उसको। कंफ्यूजन सर, वो आपके बारे में ही कह रही है सर। हैं? हमारी? हाँ, हम भी तो जांबाज हैं। करेक्ट, हमारी बात कर रही है। क्या है ना, हमें मजाक करने की बहुत आदत है, हम ऐसे ही मजाक क्या करते रहते बस। वो तो सर आपकी शक्ल से ही लगता है। क्या बे, कैरी ऑन। सर उसे छोड़िए, मैं क्या कह रही हूँ सर, मन ने घनी खुशी है कि आप जो है इस चौकी में आ गए, अपने टीम ज्वाइन करिए, इब हम सब मिलके जो है केसेस सॉल्व करेंगे और क्रिमिनल्स को साफ करेंगे। वेलकम टू द टीम सर। लड़की के प्रेम का झूला कभी मत झूलना। जैसे ही तेरी शादी होगी तू इस दुनिया से निकल जाएगा। हमेशा लड़कियों से दूर रहना। दूर रहना। वेलकम, थैंक यू। नमस्ते। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।